दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके अपना घोषणा पत्र का वादा पूरा करने का तहे दिल से धन्यवाद किया। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके शुरुआत कर दी है। अब देश भर में कांग्रेस पार्टी की सरकारें कर्मचारियों के हितों को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगी। अगर भाजपा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद पहला काम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम से मांग की है कि यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों को सही सलामत लाने के लिए दिल्ली के हिमाचल भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। बैठक थी जिस बैठक में हमने धन्यवाद किया है, पहले तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, जिसने की घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात उत्तर प्रदेश में की थी। हम धन्यवादी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और लंबे समय तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, प्रदेश के और देश के सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जो है स्कीम के अंतर्गत जो है वो पेंशन दी जाती थी। बीच में एक ऐसी सरकार के अंदर में आई कि देश भर में इनकी पेंशन जो बंद कर दी गई। हम धन्यवादी हैं अशोक गहलोत जी के कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस का राष्ट्रीय व्यापी इस आंदोलन के लिए जब हमारी राष्ट्रीय नेता कह रही उसका समर्थन है, तो गहलोत जी ने शुरुआत की है और निकट भविष्य में जिस तरीके से कल आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह जी ने जो गवर्नर एड्रेस था उसमें इन लोगों का उन्होंने पक्ष रखा, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ये चाहती है कि ये पेंशन द्वारा से बहाल की जाए और इसके साथ साथ जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। इसका जो बैठक हमारी हुई इसमें हमने भी पुरजोर समर्थन किया है और कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी हम हमारी तो आज विनम्र प्रार्थना की जयराम ठाकुर जी को बजट में ये पेंशन और ये आउटसोर्स की कर्मचारियों की नीति जो है वो बजट सेशन में जो है वो अनाउंस कर देनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दोनों जो है कर्मचारियों के और खासकर बेरोजगारों के जो बहुत बड़े इशू है, कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम भी देगी और आउटसोर्स कर्मचारी को स्थायी नीति भी बनाएगी। ये शुरुआत अभी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में, मैं कहता हूँ गहलोत आदरणीय गहलोत जी ने देश भर को जो है कर्मचारियों के लिए जो दिशा और दशा दिखाई है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला आज खड़ा हुआ है कि यूक्रेन में जो हमारे हिमाचल के लोग फंसे हुए हैं, हम वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री को चाहते हैं कि एक कंट्रोल रूम जो कि हिमाचल से बहुत से लोग हैं, कंट्रोल रूम जो है वो दिल्ली के अंदर हिमाचल भवन में स्थापित किया जाए और जो बच्चे आज सोशल मीडिया पे असुरक्षित समझ रहे हैं जगह जगह पे, मैं कुल मिलाकर मैं 20-25 ऐसे वीडियो देख चुका हूँ जिसमें कि लड़के या लड़कियाँ वो MBBS वहाँ कर रही हैं, अपनी पढ़ाई कर रही हैं, तो बार बार वो हिंदुस्तान की सरकार से जो रिक्वेस्ट कर रही है कि जल्दी हमारे को घर वापस ले चलो। तो हमें चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को तुरंत किसी अधिकारी को बैठाकर वहाँ यूक्रेन की एम्बेसी के साथ हिंदुस्तान की सरकार के साथ एक कक्ष जो है हिमाचल भवन में स्थापित करना चाहिए जिससे कि हिमाचल के जो हमारे लड़के वहाँ फंसे उनको तुरंत जो है उनके माता पिता तक पहुँचाया जाए। स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला, द स्कूल ऑफर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, wonderful campus and a perfect atmosphere for all around development of a child. Admissions open from nursery to 8th. For more information, call us on 7669045448.